हाय गाइस, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इरुनेस्ट में वेलकम है। गाइस, आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था जो मेरा मॉक टेस्ट वाला वीडियो, उसमें बहुत सारे गाइस का कमेंट्स आ रहा है कि टेस्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है कैसे वहां तक पहुंचे, उसका क्या प्रोसेस है, या फुल टाइम टेस्ट को कैसे हम लोग दें। तो इसी के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कमेंट्स में हर किसी को वन बाय वन ये रिप्लाई देने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं गूगल ओपन की हुई हूँ। आप गूगल को यहाँ पे गूगल में टेस्ट बुक सर्च कीजिए, मेरा तो सर्च किया हुआ क्योंकि मैं टेस्ट इसी से लगाती हूँ। तो आप उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है testbook.com इंडियाज नंबर वन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, या फिर आप डायरेक्ट गेट स्टार्ट में जाइएगा। गेट स्टार्ट में जाने के बाद मेरा तो रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है। अगर आप लोग नए हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं, तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर मांगेगा, आपका नाम, फिर आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी से फिर आपको वो अकाउंट बन जाएगा टेस्ट बुक में। फिर उससे आप टेस्ट बुक के होम पेज में जा सकते हैं। उस यहाँ पे आप जाके कुछ फ्री मॉक टेस्ट रहता है, पहले वो दे के देख लीजिए, फिर उसका परचेज कीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि आप दे पाएंगे, मतलब आपके लिए ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उससे आप जाके फिर परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब मैं वहाँ इंटर की मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल पे ये जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे ओटीपी आया। ओटीपी देने के बाद फिर ये मेरा खुल गया है टेस्ट बुक का टेस्ट। आप यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हैं, होम पेज में टेस्ट सीरीज है, सुपर कोचिंग का बहुत सारा जो भी ये फैसिलिटी दिया है सब लेफ्ट साइड है। तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए। सेक्शनल टेस्ट भी इसमें रहता है, तो मेरा तो ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं KBS PRT 2022 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पे है, फिर TGT के लिए भी है, वर्क एक्सपीरियंस जो पोस्ट निकला था उसके लिए, फिर सोशल साइंस का है, फिर मैथमेटिक्स का है, तो इसमें सब के लिए है। तो मुझे तो PRT का देना है, तो मैं PRT पे जाके यहाँ टू गो गो टू टेस्ट पर क्लिक की। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 3 दिन लगा चुकी हूँ टेस्ट, तो अब चौथा आ रहा है। बट अगर आप लोग को और फुल लेंथ टेस्ट देखना है, तो आप स्क्रॉल करके ऊपर कीजिए, यहाँ देख सकते हैं चैप्टर टेस्ट Part 1 and Part 2। इसमें 93 क्वेश्चन ये टेस्ट है। फिर है चैप्टर टेस्ट Part 3 and Part 4, इसमें 82 है। फिर है फुल टेस्ट न्यू पैटर्न, ये 20 है। फिर यहाँ पे आप स्क्रॉल करिएगा तो NCERT, HOTS, फिर 13, इस सब सेक्शन को मैं अभी टच भी नहीं की हूँ। फिर सब्जेक्ट टेस्ट का 30 है, फिर चैप्टर टेस्ट ओल्ड पैटर्न पे 46 है, फिर फुल टेस्ट ओल्ड पैटर्न पे है, फुल टेस्ट ओल्ड पैटर्न पे 5 है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 22, फिर प्रीवियस ईयर फुल पेपर है यहाँ पे 2 या 4 दिख रहा है। फिर आप नीचे में देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, इसमें जो है ना 10-10 क्वेश्चन रहता है, फिर जनरल हिंदी, जीके एंड करेंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, फिर कंप्यूटर लिटरेसी। तो आपको जो देना है उस टेस्ट पे आप जाके क्लिक करिएगा। फिर आप टाइम वहाँ रहता है, आप अगर टेस्ट बीच में छोड़ सकते हैं तो पॉज का भी ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हैं। बट पॉज देने करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी रहिए रखिएगा टेस्ट में, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में आप लोगों के का जो भी सवाल था टेस्ट बुक्स मतलब मॉक टेस्ट से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं कोशिश की कि आप लोगों का जो भी क्वेरीज था उसको मैं खत्म करूं, उसका मैं जवाब दे पाऊं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद गाइस। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, इसमें जो है आप जैसे मेरा देख सकते हैं जो भी टेस्ट में लगाई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ फुल लेंथ का। अभी कर्सर वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पे फुल
फुल टेस्ट न्यू पैटर्न, इस पे क्लिक करने के बाद जो भी मैं टेस्ट दी हूँ ना उसका सॉल्यूशन भी है और एनालिसिस भी है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ओपन हो रहा है, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में दिया है, आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए। आप री अटेम्प्ट करना चाहिएगा, री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन आता है। यहाँ देखिए ये इंग्लिश का है, तो यहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से रहता है, सेम मैथ का भी रहता है, हिंदी का भी रहता है। इस साइड आपके राइट साइड में आपका मार्क्स रहेगा, ये सब क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है तो वो रेड हो गया, और ये सारे सही है तो ग्रीन कलर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी में क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट सब कुछ एग्जाम के तरीके से जैसे एग्जाम में आप देते हैं वैसे ही रहता है। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। ऊपर देख सकते हैं आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है क्वेश्चन, फिर यहाँ जीके रीजनिंग है, यहाँ एजुकेशन एंड जो भी इसका है फुल वो है, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आपको पूरा फुल एक्सप्लानेशन है, फुल एक्सप्लानेशन चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। तो इस एक्सप्लानेशन को आपको देखना चाहिए, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अब मुझे लगता है आपका जो भी क्वेरीज था वो सब का आंसर मिल गया होगा। अगर तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।